जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभी ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो बिहार रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट करते हैं। और अभी जैसे आप सभी समझ रहे हैं कि MTS का एग्ज़ाम हो रहा है और आगे वाले भविष्य में बिहार दरोगा, PCS, बाकी सारे एग्ज़ाम होने वाली हैं, उन सारे एग्ज़ामों में ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसके सवाल के आंसर जानते हो तो कमेंट करते चलिएगा, और वरना बाकी हम आपको बताइए करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपका क्या बोलता है, पहला सवाल आपका बोल रहा है बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ये बताना है बिहार में सबसे ज़्यादा शहर, सबसे बड़ा टाइप में वो शहर कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गया, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। पटना इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों पटना हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तरह से बिहार में देखा जाए तो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो सारे सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो वो है पटना में। सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे हैं, वो है पटना में। यानी बिहार तो एक तरह से देख सका जाता है, अगर इसकी राजधानी बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, सेंटर बोला जाए, मुख्यालय बोला जाए, हाईकोर्ट बोला जाए, वो सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, पटना में है। पटना इसलिए बिहार का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ से गंगा भी गुजरती है, यहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ गुजरती हैं, और यहाँ से ये एक तरह से बोला जाए तो एक शहर है जो सबसे बड़ा है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है बिहार का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम पूछ रहा है, बिहार का पुराना नाम क्या है। आप सभी जानते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मिथिला, वज्जी, मगध और कौशल। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। अगर आप इस सवाल का आंसर जानते हैं तो कॉमेंट करते चलिए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है ना, मगध। मगध आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसका मगध नाम से, सोचिए उस टाइम से, उस टाइम पीरियड से बिहार का प्राचीन, बिहार हमेशा ही अपना अस्तित्व सबसे ऊंचा रखा है बाकी सारी स्टेटों से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में ध्यान रखते रहिए, चलिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बिहार की राजधानी कौन सी है। आ गया ना बिहार की राजधानी, राजधानी बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कौन है कि नहीं, या एक तरह से बोला जाए तो बिहार की राजधानी क्या है, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, पटना हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, चौथा नंबर पूछ रहा है बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, यानी इसका बंटवारा, जो बिहार हमारा आप सभी जानते हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब पहले एक ही में था, तो बिहार राज्य पर्सनल बिहार बना उस टाइम का टाइम पीरियड क्या था, कौन सा डेट था, तो इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 मार्च 1912 को, 1 नवंबर 1956 को। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 1912 ईस्वी। आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, बिहार दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि बिहार का उस दिन गठन हुआ था, उस दिन बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बोलता है हमारा बिहार का राज्य पशु क्या है, राज्य पशु पूछ रहा है बिहार का राज्य पशु क्या है। चलिए इसका सवाल जल्दी जवाब दीजिए इसका जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर। गैर मतलब क्या होता है, गौर मतलब होता है बैल। आप सभी जानते हैं बिहार किसानों का प्रधान देश बोला जाता है, और यहाँ पर ज़्यादातर किसान बैल से अपनी खेती गृहस्थी करते हैं, पहले करते थे, अभी ट्रैक्टर आ गया है, पर अभी भी बैलों को आपको देखना होगा तो गाँव में ही आपको बिहार के क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, बिहार राज्य का पक्षी कौन सा है, पक्षी बताना है, जैसे भारत का पक्षी कौन है, मोर है, वैसे ही बिहार का पक्षी कौन होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मोर दिया है, कबूतर दिया है, गौरैया दिया है, बुलबुल दिया हुआ है, ये सारे पक्षी के नाम हैं, ठीक है ना, जो बिहार में अक्सर, बिहार में या बाकी सारे स्टेटों में ही मिलते हैं, पर इसमें से एक पक्षी है जो बिहार में ज़्यादातर देखने को मिलता है, बाकी जगह भले देखने को मिले या ना मिले। चलिए बिहार वाले तो जानते ही होंगे कौन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया। गौरैया एक छोटा पक्षी है जो चूचू खेत 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 खलियानों में या घरों पे, झोपड़ियों पे, सारे पर देखने को मिलता है, ठीक है ना, गौरैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल क्या बोलता है, बिहार का राज्य फूल कौन सा है, बिहार का राज्य फूल पूछ रहा है, बिहार का राज्य फूल कौन सा है। चलिए इसका ऑप्शन चला गया नीचे,
चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार का राज्य फूल कौन सा है? गुलाब, कनहेल, कमल या सूरजमुखी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कनहेल। कनहेल एक फूल है जो ऐसे आकार का होता है और ये हमारे बिहार का राजकीय फूल है, ठीक है ना, बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 8वां सवाल क्या बोल रहा है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, कपूरी ठाकुर, लाल प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और श्री कृष्ण सिंह, कौन हो जाएंगे बताइए। पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था, ठीक है ना, तो इससे आप पकड़ सकते हैं वो कौन है बिहार के, वो हो जाएंगे हमारे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां सवाल हमारा बोलता है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वो तो पहले थे, बिहार के प्रथम प्रधान राष्ट्र क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, और अभी वर्तमान में कौन है ये पूछ रहा है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुशीला देवी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कपूरी ठाकुर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार अभी फिलहाल बिहार के अभी क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 10वां सवाल क्या बोलता है, 10वां सवाल बोल रहा है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले पूछ रहा है, अभी का फिलहाल का नहीं पूछ रहा, पहले का पूछ रहा है, ठीक है ना, पहले राज्यपाल कौन थे यानी आज़ादी के बाद का ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, जयराम दास, दौलत राम, MH अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, सत्यपाल मलिक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम, ठीक है ना, ये आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? इसों को पता होंगे 38 ज़िले हैं, ठीक है, कमेंट कर दीजिए जिनको पता होगा उनको, ठीक है। बिहार राज्य का वृक्ष कौन सा है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है ये बताइए। आप सभी जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा पेड़ देखा जाए एक तरह से, जो 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है, बिहार का एक तरह से देखा जाए तो गिनती वाला पेड़, और बिहार का एक तरह से बोला जाए तो इसे बिहार का भगवान भी बोला जाता है, उसे किसे पर बोला जाता है, जहाँ भगवान बुद्ध को क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, वो पेड़ कौन सा है, पीपल का पेड़, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल का पेड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय इसका स्थापना किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ने, ठीक है ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर हमारा सवाल क्या बोलता है, बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी यानी सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, सारा कुछ एक तरह से देखा जाए तो सारी घाटे उसी नदी के किनारे बसी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन सी घाट है, तो हमारा गंगा नदी है, ठीक है ना, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर देखिए क्या बोलता है, 15वां नंबर बोलता है, बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है? सबसे ज़्यादा प्रमुख मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बिहार का कृषि उत्पादन कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धान, बिहार में धान की खेती ज़्यादातर देखने को मिलती है और एक तरह से ज़्यादा मान्यता वाली जो प्रमुख फसलें हैं उसमें से धान सबसे नंबर वन पर आता है। चलिए हमारा 16वां नंबर सवाल क्या बोलता है, बिहार का मुख्य भाषा कौन सा है यानी इम्पोर्टेंट भाषा जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो बिहार की भाषा कौन सी है? तो बिहार का मुख्य भाषा जो देखा जाए तो वो क्या है, उर्दू, अंग्रेज़ी, भोजपुरी, हिंदी, कौन सी है बताइए। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पर इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं भोजपुरी बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पर हिंदी भी ज़्यादातर बोली जाती है क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, पटना, पटना में सारे लोग कैसे बात करते हैं, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बोले जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा बोलता है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी की जो सेतु है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? ये सवाल है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी के किनारे महात्मा गांधी का सेतु स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? गांधी से रिलेटेड सवाल है, जो हमारे बिहार से ही और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा आंदोलन था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1917 में। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था और तिनकटिया प्रणाली को एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जगह बिहार का बौद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्ध तीर्थ स्थल मतलब बौद्ध को देखने वाली जो स्थल है उसी को बौद्ध तीर्थ स्थल बोला जाता है, वो कौन सी है? ऑप्शन में दिया हुआ है राजगीर दिया है, और क्या है ऑप्शन में, और है पावापुरी, बोधगया और वैशाली। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सवाल क्या है, कौन सी जगह बिहार का बौद्ध तीर्थ स्थल है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। ठीक है, बौद्ध तीर्थ स्थल में कौन सा है? बोधगया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर सवाल क्या बोलता है, बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना ओल्ड इज गोल्ड बोला जाता है, पर वो ऐसा विद्यालय है जो उसको जला दिया गया है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए कौन सी है, ऑप्शन में दिया हुआ है पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड नंबर में है मगध विश्वविद्यालय, सी नंबर में है नालंदा विश्वविद्यालय, डी नंबर में है दरभंगा विश्वविद्यालय। ये सब इसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है बिहार का, सबसे प्राचीन और सबसे अत्यंत सुंदर कौन सा है, बताइए जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नालंदा सबसे पुराना भी है और सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा था, पर अभी फिलहाल नहीं है, अभी केवल कंकाल रह गई है उसका, पर अभी भी खूबसूरत है और उसको एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में अभी भी उसको अंकित किया गया है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर देखिए क्या बोलता है, गया किस देवता का देवता के लिए प्रसिद्ध है? गया जो है आप सभी जानते हैं, गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गया में स्थित हैं, उनके लिए पूछ रहा है गया किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, कौन से देवता के लिए प्रसिद्ध है वो जगह, चलिए आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं विष्णु भगवान के लिए, शिव भगवान के लिए, कृष्ण और ब्रह्मा, इनमें से कौन से होंगे बताइए जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, विष्णु भगवान को ज़्यादातर गया में प्रसिद्ध है विष्णु भगवान, और सारे लोग विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ भी इनका बहुत ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 22 नंबर सवाल क्या बोलता है हमारा, बिहार में किस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? कौन सा पर्व है जो बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यानी बाकी पर्वों से ज़्यादा मनाया जाता है उसे और बड़े धूमधाम से, और वो पर्व कौन सा है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है होली, दीपावली, छठ पूजा, मकर संक्रांति। होली वो है आप सभी जानते हैं गुलाल से खेला जाता है, दिवाली पटाखा फोड़ा जाता है, छठ पूजा जो सूर्य देवता का पूजा होता है, अब मकर संक्रांति यानी तिरंगा जो उड़ाया जाता है, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, पतंग उड़ाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, छठ पूजा। छठ पूजा को बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है ना, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला है? अभी मैं आपने बताया, चलिए कौन सा है बताइए जल्दी, बड़ा जिला पूछ रहा है, यानी पहला नंबर में ऑप्शन दिया है पटना, सेकेंड में मुजफ्फरपुर, सी में दरभंगा, डी में पश्चिम बंगाल।
चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। बिहार का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है, मतलब सबसे बड़ा है एरिया में भी और बाकी कुछ चीज़ों में भी, वो आगे मैं बताऊंगा। चलिए अगर इसका सवाल जवाब जानते हैं तब कमेंट करते चलिए, इंतज़ार मत करिए। चलिए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक और खासियत है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा घन वन जो देखा जाता है, वन मतलब क्या होता है जंगल, सबसे ज़्यादा जंगल बिहार में देखने को कहाँ मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में। यहाँ आपको जाइएगा वाल्मीकि नगर और पेड़ पौधे जो पहाड़ वाड़े हैं वो भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा 24वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। किसे बिहार विभूति कहा जाता है, बिहार विभूति, बिहार विभूति मतलब क्या होता है, एक लोकप्रिय है जो किसी पुरुष के लिए, जो किसी माननीय पुरुष के लिए संबोधित किया गया है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और कपूरी ठाकुर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बिहार का पूछ रहा है, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, लिच्छवी गणराज्य आप सभी जानते हैं उसकी राजधानी पूछ रहा है, कौन सी है बिहार की, प्राचीन में उसका नाम क्या था। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है वैशाली, पटना, दरभंगा और गया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वैशाली इसका लिच्छवी गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए सवाल क्या बोलता है। बिहार के कौन से शहर में सुपर 30 की स्थापना हुई थी। सुपर 30 के बारे में आप क्या जानते हैं, सुपर 30 के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सुपर 30 एक ऐसी कोचिंग सेंटर थी जिसमें 30 लोगों को चुना जाता था और ये 300 में 300 क्या करते थे, IIT JEE मेंस को निकाला करते थे। एक टीचर थे वो कहाँ के निवासी थे उसी के बारे में पूछ रहा है, और वो कहाँ पे अपना कोचिंग सेंटर चलाते थे और उसकी स्थापना कहाँ हुई थी उसी के बारे में पूछ रहा है। तो अभी सभी जानते हैं कि एजुकेशन का हब अभी किसको बोला जाता है, इन चारों में ऑप्शन दिए गए हैं जैसे मुजफ्फरपुर दिया है, दरभंगा, पटना और भागलपुर। एजुकेशन बिहार में एजुकेशन का हब किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है पटना को, ठीक है। पटना में ही सुपर 30 की स्थापना हुई थी और इसमें नियम ये था कि जो भी बच्चे उसमें टेस्ट में पास करेंगे 2900 बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाया जाएगा और उनको 300 को 300 को IIT JEE मेंस के लिए तैयारी कराया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार की कौन सी नदी सदा नीरा के नाम से जानी जाती है, सदा नीरा के नाम से जानी जाती है, ऐसी कौन सी नदी है। जैसे आप सभी जानते हैं बिहार का शोक किसको बोला जाता है, कोसी नदी को, वैसा ही सदा नीरा किसे बोला जाता है ये बताना है आपको। चलिए जल्दी बताइए, अगर इसके सवाल का जवाब आप जानते हो तो बताते चलिए। चलिए इसका सवाल का जवाब मैं बता देता हूँ, बिहार की कौन सी नदी सदा नीरा के नाम से जानी जाती है, तो वो है हमारी कोसी नदी, ठीक है ना। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी बोला जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। और सबसे तबाह मचाने वाले भी नदी कौन सी है, कोसी नदी ही है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो इसको भी आप याद करते चलिएगा। चलिए पूछ रहा है 28वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस गुफा मंदिर को बिहार में सबसे प्राचीन माना जाता है। गुफा मंदिर के बारे में पूछ रहा है, सबसे गुफा मंदिर जो भी है उसको बिहार का सबसे प्राचीन मंदिर बोला जाता है, वो कौन सी गुफा मंदिर है। उसके बारे में ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है जैसे आप देख सकते हैं बराबर गुफाएं, मैनामती गुफाएं, पांडव गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। चलिए इसमें से कौन आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाबरमती, ठीक है ना, बाबर गुफाएं, बाबरमती गुफाएं बोला जाता है, पर बाबर इसका जो मूल शब्द है वो बाबर है, पर ऐसे बोलने में उसको बाबरमती गुफाएं वो भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 29वां सवाल देखिए क्या है, 29वां सवाल क्या बोलता है।
बिहार में कौन सा खेल सबसे अधिक खेला जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खेलने वाला गेम कौन सा है, वो बताना है आपको बिहार में। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं क्रिकेट दिया है, कबड्डी दिया है, हॉकी दिया है और फुटबॉल दिया हुआ है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, इसमें से कौन राइट आंसर होगा बताइए जल्दी। चलिए चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिकेट। बिहार में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है, क्रिकेट है। क्रिकेट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं धोनी भी हैं, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, आगे चल के उन्होंने बिहार से दूसरी जगह बिलोंग किया और वहाँ से वो इंडिया के लिए खेलने चले गए। और धोनी का नाम आजकल बिहार में, या बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड उनका नाम छाया हुआ है। चलिए आगे बढ़, तीसरा देखिए सवाल क्या बोलता है। बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछ रहा है, सबसे बड़ा पुस्तकालय जहाँ पुस्तकालयों का भंडार या लाइब्रेरी जो कुछ भी बोले उसको, वो कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा। ये ऑप्शन देख सकते हैं, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी, पटना सिटी लाइब्रेरी, खुदा वक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी, मगध विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, इसमें से कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए। बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदा खस ओरिएंटल लाइब्रेरी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इकतीसवां सवाल देखिए क्या बोला जाए। इकतीसवां सवाल बोल रहा है, ऐसे इसे कर देते हैं, ठीक है। इकतीसवां सवाल बोल रहा है, बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का जन्मभूमि माना जाता है। बिहार के किस जिले को शेरशाह सूरी का जन्मभूमि माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं आपका ऑप्शन है सासाराम दिया हुआ है, बक्सर दिया हुआ है और ऑप्शन आपको गया दिया है, वैशाली दिया हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और आपको बता देते हैं, बिहार के किस जिले को शेरशाह सूरी की जन्मभूमि माना जाता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम, ठीक है ना। सासाराम इज द करेक्ट आंसर। सासाराम में एक और चीज़ है, खासियत है, जिसे जन्मभूमि भी, बिहार का जो ज़िला है सासाराम, उसको शेरशाह सूरी का जन्मदिन भी माना जाता है, जन्मभूमि भी माना जाता है और उसका मृत्यु यानी एक तरह से देख लिया जाता है जो क्या मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, वो भी सासाराम में ही स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट जीके हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस बौद्धिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध बोधगया किस जिले में स्थित है। बोधगया भी जानते हैं, बौद्ध स्थल कौन सा है बोधगया, और बोधगया किस जिले में स्थित है, ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पहला में ऑप्शन है पटना, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में गया और डी में नालंदा, इसमें से कौन आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बोलिए, बौद्ध गया किस जिले में स्थित है। आप सभी देख रहे हैं बौद्ध मतलब क्या होता है, बौद्ध भगवान से संबंधित है, और गया मतलब राज्य, बौद्ध गया, ठीक है ना। तो बौद्ध गया किस में है, गया में, ठीक है, गया में बौद्ध गया स्थित है, गया जिले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी लग रहा है फिलहाल एमटीएस के एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। बिहार का कौन सा शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, चलिए बताइए कौन कौन सा है। और साथ ही बिहार का ही बताइए, बिहार का जिसे भारत में बिहार में जो नाश्ता है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बताइए, ये भी बताइए आप, ठीक है ना। पहले इसका सवाल जवाब दीजिए 33 नंबर का, बिहार का कौन सा शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं मुजफ्फरपुर का लीची काफ़ी प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको मुजफ्फरपुर में लीची देखने को मिलता है। हाजीपुर में आपको केला देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। वैसे ही बिहार में सबसे नाश्ता का देखा जाता है लिट्टी चोखा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो विदेश से भी लोग आते हैं तो लिट्टी चोखा ही खोजते रहते हैं, ठीक है ना। बिहार के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और साथ ही अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अब से हमसे आप जुड़ सकते हैं ताकि आने वाले भविष्य में कोई वीडियो आपको लगातार मिलते रहे और एग्ज़ाम में आप उस मुकाम को पहुँच सके जहाँ पे
या जिसके लिए सबने आपका इंतज़ार किया हो। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी सेतु किस दो शहरों को जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु आप जानते हैं, महात्मा गांधी सेतु किस नदी के किनारे है? तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे है। और पूछ रहा है इसकी जो सेतु है वो किन दो शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन दिया हुआ है पटना और हाजीपुर, और आगे ऑप्शन है पटना और बक्सर, भागलपुर और कटिहार, पटना और गया। चलिए अब बताइए। चलिए ऑप्शन देखिए क्या बोल रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु किस किन दो शहरों को जोड़ता है? महात्मा गांधी जो सेतु है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? पटना और हाजीपुर इज द करेक्ट आंसर, पहला नंबर ही होगा। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो आप सभी जानते हैं पटना के पास कौन सी नदी गुजरती है? पटना के पास गुजरती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी के ही पास है हाजीपुर, और इन दोनों को जोड़ने वाली, ठीक है ना, राम सेतु नहीं बल्कि महात्मा गांधी सेतु है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला के बारे में पूछ रहा है। एक तो पहले पूछा था हमसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, और ये पूछ रहा है बिहार का विश्वविद्यालय विक्रमशिला कहाँ स्थित है, प्राचीन के बारे में, यानी सबसे पुराना, बताइए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में देख सकते हैं आपको भागलपुर दिया हुआ है, मुंगेर, पटना, नालंदा। चलिए राइट आंसर की क्या हो जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं इसका, जल्दी करिए। विक्रमशिला, बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। चलिए चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भागलपुर में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ये भी पुराना है, नालंदा विश्वविद्यालय इतना पुराना नहीं है, पर यह भी बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के किनारे है? अभी हम सबके बात कर रहे थे पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है ना, गंगा इज द इम्पोर्टेंट रिवर इन बिहार नहीं बल्कि ऑल इंडिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बिहार का कौन सा जिला सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र यानी कॉटन, कॉटन क्लॉथ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला है ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है पटना, ए नंबर में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भागलपुर। भागलपुर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बिहार का कौन सा जिला सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है हमारा कौन है, भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है, कौन सा स्थान भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है? निर्वाण स्थली मतलब उनका छोड़ने वाली जो जगह है, जो जहां उन्होंने प्राण त्यागा, वो कौन सी स्थल है बताना है। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजगीर, पावापुरी, वैशाली, बोधगया, कौन हो जाएगा जल्दी बताइए। भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पूछ रहा है, महावीर के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए भगवान महावीर का जो निर्वाण स्थल है जहाँ से उन्होंने प्राण को त्यागा था वो कौन सा है, पावापुरी, बी इज द करेक्ट आंसर, वी फॉर बाहुबली, बी फॉर बिहार। चलिए उसके बाद हमारा आता है 39 नंबर सवाल क्या बोलता है। हाँ देखिए अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो करंट का क्वेश्चन है, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीट के बारे में पूछ रहा है, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है ये पूछ रहा है आपसे। वैसे अलग अलग स्टेट के बारे में पूछता है, पर बिहार का बेसिक लेके पूछता है, ज़्यादातर बिहार का पूछता है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ है 30, 40, 45, 50, इसमें से कौन सा होगा जल्दी बताइए। चलिए बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बिहार में आप लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, 40 नंबर सवाल क्या बोलता है, बिहार के कौन से ज़िले में वैशाली स्तूप स्थित है? वैशाली स्तूप यानी जो बिंब है, जो एक तरह से फिगर है, वो वैशाली में स्थित है,
कौन से जिले में, वैशाली स्तूप कौन से जिले में स्थित है? चलिए इसके नाम से ही पता चलता है आपको कहाँ पे है, वैशाली में है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बिहार का कौन सा जिला, कौन सा शहर सरसों तेल के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी सरसों तेल यानी क्या होता है, खाने वाला जो तेल होता है, वो कौन सा जिला में नहीं बल्कि शहर पूछ रहा है, ठीक है ना, कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, ए नंबर में आपको गया दिया है, मुंगेर दिया है, पटना, बेगूसराय, ठीक है ना, इसमें से कौन होगा, चलिए जल्दी बताइए। चलिए बिहार का कौन सा ज़िला है, तो वो आपका हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय में आप सभी जानते हैं कि सरसों का ज़्यादा उत्पादन होता है और तेल किससे बनता है, सरसों से ही बनता है, ठीक है ना, तो सरसों का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ होगा, बेगूसराय में होगा, बराबर की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 42वां नंबर क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में भी पूछने वाला ही लग रहा है क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है आपको। एक राजमार्ग है जो बिहार के नदी के किनारे स्थित है, एक राजमार्ग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो किसी नदी के किनारे है, वो कौन सी नदी है ये आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा नदी। चलिए इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए गंगा इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी है जो एक ही जलमार्ग है जो उसी नदी के किनारे स्थित है, और बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट नदी भी कौन सी है, गंगा। बिहार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। यानी सारे अगर देख सकते हैं एक तरह से देखा जाए, तुक्का भी मारना रहेगा ऐसे सवालों में, तो ज़्यादातर आप गंगा को ही सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, ऐसी कोई शहर या ऐसा कोई क्षेत्र जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है बिहार में, वो कौन सा है, वो है पटना। पटना इज द करेक्ट आंसर, आपको ऊपर ही मैंने बताया हुआ था। आप देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको बस एक जैसे 50 क्वेश्चन है तो 50 ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करके 200-250 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 44वां नंबर देखिए सवाल क्या बोलता है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है अरवल, ठीक है, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, इसमें से कौन होगा बताइए जल्दी। तो सबसे कम जनसंख्या अगर बोले तो वो हो जाएगा आपका शेखपुरा, सी इज द करेक्ट आंसर। शेखपुरा में सब बिहार में कम सब जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा, ठीक है ना, इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अभी हाल फिलहाल का ये घटना है, और हो सकता है आप अगर बिहार के न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ये पता होगा भली भांति इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में हर साल बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है ना, ऐसी कोई नदी इन चारों में से है जैसे गंगा, कोसी, गंडक, सोन नदी, इनमें से कोई नदी है बिहार की, ठीक है, ये तो टॉप नदी 4 नदी के बारे में बताया गया, पर कोई ऐसा नदी है जो काफ़ी एक तरह से बोला जाए तो हानिकारक है, प्रभावित करती है, लोगों की घरें उड़ा देती है, एक तरह देखा जाए तो अभी फिलहाल जो वीवाइस में 200+ गांवों को नष्ट कर दिया है, वो कौन सी नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अगर आप जानते हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी का बांध टूटता है तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, अभी तो फिलहाल ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोसी नदी के जो बांध है उसके ऊपर से पानी गुजर रही थी, पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं बिहार के बहुत सारे गांव हैं जो काफ़ी प्रभावित होते रहते हैं इसके वजह से। चलिए देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला। बिहार में लौरिया नंदनगढ़ स्तूप कहाँ स्थित है, लौरिया नंदनगढ़ स्तूप कहाँ स्थित है बिहार में, ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें गया दिया है, मुजफ्फरपुर दिया गया है, पश्चिमी चंपारण, सिवान,
ये सारे बिहार के ज़िले हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी बेतिया साइड में। बेतिया साइड आप सभी जानते हैं, बेतिया जो बिहार के होंगे वो सभी जानते होंगे, बेतिया पश्चिमी चंपारण पड़ती है, और यहीं पर भी आपको देखने को मिलता है लौरिया नंदनगढ़ स्तूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया था बताइए, ये भी बताइए, और कब किया था, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, और अभी आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी चंपारण। आप सभी जानते हैं चंपारण से गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था, तिनकटिया प्रणाली को समाप्त किया, और यह इनका पहला आंदोलन चंपारण में ही शुरू हुआ था, और सन पूछे तो 1917 ईस्वी, जो आपको ऊपर मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 48वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल फिलहाल में इसका पर्व त्यौहार एक तरह से देखा जाए तो आने वाला है। बिहार में कौन सा त्यौहार सूर्य देवता की पूजा के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो केवल सूर्य देवता को ही माना जाता है, और बिहार में सबसे ज़्यादा इस पर्व को माना जाता है, बताइए कौन सी है। दिवाली है, होली है, छठ पूजा, मकर संक्रांति, इसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठ पूजा इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर, ठीक है ना। अगर आप याद रखते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने से क्या होता है ना, आपको ये चीज़ पता होता है कि रिवीजन भी होते रहता है कि हमने इसको सही किया, और अपने आप पर बिलीव रहता है कि सर के सवाल बताने से, आंसर बताने से पहले मैंने इस सवाल का क्या किया, जवाब दे दिया, उसका क्या है हल, कमेंट करना, ठीक है ना। तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49वां सवाल देखिए क्या बोलता है, बिहार का कौन सा ज़िला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं BPSC का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग, पटना कला, ये सारे चीज़ें आपको BPSC एग्ज़ाम के लिए, PCS एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो मैंने सोचा इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं बिहार के लिए, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपके लिए सेट कर दिया, ठीक है ना। बिहार का कौन सा ज़िला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग है तो मधुबनी में ही प्रसिद्ध होगी, और ये एक तरह से देखा जाए तो पेंटिंग काफ़ी पुरानी पेंटिंग है, और इसका विस्तार भी काफ़ी धीरे धीरे लेवल से होते होते फिर रुक गया था, फिर आगे चल के इस पेंटिंग को एक प्रसिद्ध नाम दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 50वां नंबर सवाल जो हमारा आखिरी सवाल है, ये क्या बोलता है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2024 के कौन है, बताइए 2024 के फिलहाल जो राज्यपाल हैं बिहार के वो कौन हैं। आप सभी जानते हैं बिहार राज्य के राज्यपाल एक हैं, जिनका नाम इसमें दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ इसमें देख लीजिए, सत्यपाल मलिक, फागु चौहान, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार। चलिए आप सभी जानते हैं कि एक जो राज्यपाल है वो दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है, वैसे ही बिहार का राज्यपाल कौन सा है ये आपको बताना है, और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है, ये भी आप इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमको खो देंगे, और हमको खोने के साथ साथ आप उन सारे सवालों को भी खो देंगे जो हम आपको बताएंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।